फरीदाबाद डाकघर में पासपोर्ट बनाने का सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन केंद्र सरकार के राज्य मंत्री आरके सिंह ने किया। अब औरंगाबाद वासियों को पासपोर्ट बनाने के लिए पटना नहीं आना होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, विधायक आनंद शंकर सिंह, एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, रीजनल पासपोर्ट अधिकारी पीएम साहे उपस्थित थे। औरंगाबाद से असमत के साथ नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कि यहाँ पर हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट लगाया, तो थर्मल पावर प्लांट लगाया तो आते समय मैंने एक उद्योग देखा एक सीमेंट का निकल रखा है, और अभी यह शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर और भी उद्योग लगे। एक उद्योग आता है तो दूसरे और भी उद्योग लगना प्रारंभ हो जाते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग के यहाँ जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए वो हो रहा है। ये लोगों की सहूलियत के लिए बहुत बड़ा काम है, जैसे कि प्रशासन या सरकार लोगों ईज ऑफ लिविंग के लिए काम कर रही है, उनकी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे सुलभ हो इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जिला स्तर पर पासपोर्ट बनाने बनाने के लिए उनके बाद कहीं जाना जरूरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को भी हम उसको बनाना है, ताकि घर तक जाकर पैसा तक पहुँचा दें या घर जाकर पैसा पैसा दें, हर व्यक्ति को हर घर को बिजली का कनेक्शन देना, हर गरीब परिवार को शुद्ध या कनेक्शन देना, हर गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज का व्यवस्था करना, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सरकार की, ये आम आदमी का विशेष तौर पर गरीब आदमी है उसकी जिंदगी को सुगम करती है।